हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग ब्लॉग लेकर के आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ डिफरेंट सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ। तो हम लोग शाम में घूमने के लिए निकले थे और हम लोग घूमने के बाद, जंगल घूमने के बाद चाची सास के घर में आए हैं। तो यहाँ पे ये जो गाय लगी है ना, वो गाय अभी चर के आई है, तो वो बाहर से आई है चर के, घास वगैरह खा करके। और यहाँ पे आज यहाँ पे दूध निकालने वाली है चाची सास। और यहाँ पे देखिए, हम लोगों को आम मिल रहा है खाने को, वो भी घर का आम, एकदम जो घर में पका हुआ, एकदम छोटे छोटे पेड़ों में लगा हुआ फला हुआ आम है, जो कि हम लोगों को मिला है। आप सभी को अभी वो देखने को मिलेगा। और मैं पहले भी आप सभी के साथ ये सारे शेयर कर चुकी हूँ। तो इन लोगों के यहाँ ना बहुत सारे हाइब्रिड वाले हैं, जो कि छोटे छोटे पौधे हैं पर बहुत ही ज़्यादा फल देते हैं, और छोटे में ही फल देना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल एकदम टेस्ट लग रहा था मार्केट जैसा वाला, एकदम ही अच्छा वाला। तो यहाँ पे मैं आम खा रही हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी, आप सभी को भी आश्चर्य होगा, इतने छोटे से पेड़ पर इतने सारे आम लगे हुए हैं, आप लोगों को भी देख के आश्चर्य लगेगा। तो अभी आप सब इंतज़ार कीजिएगा और ये सब देखने के लिए मेरी ब्लॉग को पूरा देखिए। और जो मेरे चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज मैं काउ मिल्किंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका एक शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपने से ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सब जानते ही होंगे, ये मेरी चाची सास है। तो इन लोगों को मैं पहले भी आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे शाम का समय था और ना ये गाय सुबह और शाम लगती है, तो सुबह में भी लगाई गई थी और अभी शाम में भी लगाई गई है। और यहाँ पे देखिए किट्टू को, किट्टू इतने ध्यान से देख रहा है, वो अभी जितना दिन वहाँ रहा ना, उतना दिन पूरा, अभी तो हम लोग आ गए हैं हजारीबाग, लेकिन वो जितना दिन वहाँ रहा तो हमेशा वो वहाँ ही चला जाता था, दादी के यहाँ चला जाता था और वहीं दिन भर रहता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो छोटी वाली जो है ना, जिसको बछड़ा कहते हैं छोटी वाली, तो इसके साथ वो बहुत खेलता था, इसके पैरों में पायल बांध करके ये छमछम करके चलता था। तो ये लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था, इन लोगों ने ही बांध दिया था। तो इसके साथ रियांस हमेशा खेलते रहता था। और यहाँ पे देखिए ये जो अंडे वाली कूट है ना, इसका यूज़ कर रही हैं। तो क्यों यूज़ कर रही हैं बता रही हूँ, जब भी गाय लगाते हैं ना तो बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, तो उन मच्छरों को हटाने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है, कूट वाला, जो अंडे का जो कूट रहता है। तो आप सब भी मच्छर को भगाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर छिपकली वगैरह कीड़े मकौड़े भगाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। एक आप लोगों के साथ मैंने एक टिप शेयर की है, जो कि मुझे भी वहाँ पे सडनली देखने को मिला था, जो कि मुझे लगा कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करी। तो वो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, जब मच्छर आए तो अंडे वाले जो जो कूट होते हैं उसका यूज़ करके देखना, आप उससे मच्छर चले जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो मच्छर वाली जो क्वाइल होती है वो भी जलाया था, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। और जैसे ही इसे मच्छर लगती थी ना, तो ये लात मारना स्टार्ट कर देती थी, जिसकी वजह से वो कूट देख रही जला करके वो दिए जा है, उससे पूरे मच्छर को हटाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तेल लगा करके और इसे गारा जा रहा है, तो ये मिल्क निकाल रहा है। और ये जो बकेट है ना, पूरा भर के हो जाएगा, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा दूध, लेकिन जो बछड़ा है ना वो नहीं लेने के लिए दिया, वो वापस चला जाता है, बहुत लात मारने लगता है, और मच्छर की वजह से भी वो चला जाता है। तो इतना ज़्यादा था तो भी उसके मुंह से गिरते जाता है। तो आप सभी को वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और देखिए ये काउ मिल्किंग, विलेज स्टाइल की काउ मिल्किंग, जो कि विलेज वुमेन द्वारा हो रहा है, जो आप लोगों के साथ मैंने पिछले बार भी शेयर किया था, पर वो बेफालो मिल्किंग था। और ये मैं काउ मिल्किंग के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा इस ब्लॉग को। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ,
यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये अभी ना मतलब नया नया ही बछड़ा हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए है, 2 से 3 हफ्ते हुए हैं। और इस बछड़े के जो अभी बछड़े ना मतलब जो गाय जो दूध देती है वो अभी दूध जैसे नहीं होती है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसकी अगर आप चाहें चाय वगैरह बनाने या फिर गर्म करेंगे तो ये फट जाएगा, उस तरह से जो दूध होती है उस तरह की दूध नहीं होती है। तो अभी बस ये अब फ्रेश होने लगा है दूध, तो इसकी चाय भी बनाई जाएगी और काफ़ी अच्छा बनता है। और ये देखिए एकदम भी कोई भी मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर मिल्क है। यहाँ पर मैं भी कोशिश करने के लिए आई थी कि नहीं मैं भी एक बार करती हूँ, लेकिन जैसे ही पूछ लगा ना तो मैं डर गई और फिर बार बार बोली लेकिन मैं नहीं गई। तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। देखिए जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो यहाँ पे ये दूध से ही लगा करके फिर से निकालना स्टार्ट कर देती हैं और इस तरह से ये लगाती जाती हैं, पूरा काउ मिल्किंग करती जाती हैं। और यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि कितना भर गया है बाल्टी, और इससे ज़्यादा भी अभी दूध निकाला जा सकता था लेकिन ये निकालने नहीं दिया। और ये देखिए एकदम ही प्योर मिल्क है, कोई भी मिलावट नहीं, एकदम गांव की घर की दूध है, जो कि कोई किसी तरह का कोई भी पानी, एक बूंद भी पानी इसमें नहीं मिला है। तो इतना प्योर दूध सिर्फ गाँव में मिल सकता है। और ये देखिए जैसे ये पी रहा है ना तो दूध कितना सारा गिर रहा है, तो वही बोल रही थी कि अभी तो और इस दूध निकलता और ज़्यादा होता, लेकिन अभी उन लोगों गाय की वजह से हम लोगों ने छोड़ दिया है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि खेती वाला, तो यहाँ पे देखिए आप सब देख रहे हैं इतने सारे जो दिख रहा है ना, ये बेड बना हुआ और बेड पे ही लगा हुआ है बंदा गोभी, फूल गोभी लगा हुआ है। और मैं जिस पेड़ की बात कर रही हूँ तो ये देखिए वो पेड़, इतने छोटे से पेड़ हैं लेकिन कितने सारे आम लगे हुए हैं, मैंने आपको बहुत ही नज़दीकी से दिखा है। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी शेयर की हूँ, काफ़ी सारे पेड़ लगते हैं, पेड़ फल लगते हैं इस पेड़ों में, छोटे छोटे पेड़ हैं और 3-4 पेड़ हैं, अमरूद की भी ऐसे ही पेड़ हैं। तो ये सारे छोटे ही हैं पर बहुत सारे फल लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, और बड़े बड़े से होते हैं। अमरूद के भी पेड़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे रियांस मस्ती कर रहा है, वो पूरा इधर घूम रहा है, देखिए ये पूरा में लगा हुआ है, जितना खाली जगह है ना घर के बाद जितना बनता है जगह, उसमें सारे में केवल गोभी लगाई गई है, गोभी फूल गोभी ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। और इधर कच्चू लगाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने थोड़े थोड़े करके बहुत सारी मतलब सब्जियां गांव में ख़रीदते नहीं हैं, सिर्फ घरों में जो उगता है वही खाते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत बार शेयर किया और तो अच्छा भी लगता है, सारे फ्रेश और एकदम ही प्योर सारे रहते हैं, किसी भी तरह का कोई ये नहीं रहता। हाँ लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक इंजेक्शन वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं है किसी तरह के, लेकिन इसमें खाद डाली जाती हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे उसी दूध की चाय बनाई जा रही है, तो मैं भी अंदर आ गई थी और यहाँ पे मेरी ननद है वो चाय बना रही हैं। आप सब पहले भी इनसे मिल चुके हैं और इनका घर, ये घर का किचन है अंदर में, यहाँ पे रियांश आ गया है, उसे भी बहुत मच्छर काट लिए हैं, तो वो मुझे बताने के लिए आया है कि मच्छर काट रहा है। और एकदम शाम होने लगी है ना, जब शाम होती है ना तो मच्छर ज़्यादा आते हैं, फिर 7 से 8 बजे के बाद थोड़े से कम हो जाते हैं, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे कम हो जाते हैं, लेकिन जो शाम का समय होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे अब चाय बन के आ गया, तो वही हम लोग चाय पी रहे हैं और रियांश को भी चाय मिल गया, ये एकदम सेठ की तरह बैठ गया है, इसे बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर खेलता रहता है हमेशा। तो यहाँ पे वो टोस्ट का इंतज़ार कर रहा है, इसकी फुआ टोस्ट लाने गई है, ये टोस्ट और चाय लेगा, ऐसे चाय पिएगा नहीं, टोस्ट के साथ खाएगा बस। तो यहाँ पे ये सारी मस्ती हो रही है, वहाँ पे देखिए ये दूसरी वाली ननद है और घर में ही मंदिर भी है, और हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी को मेरे पीछे दिख रहा है ना वो सारे ही पौधे हैं जो कि अब सब्जियों बन जाएंगी, अभी छोटे छोटे से हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप सभी को पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।